बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा का वाकिया है कि मुजद्दिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि बातनी मखलूकात जिन्नात वगैरह उन्हें सजदा कर रहे हैं। परेशान हुए कि इंसान को सजदा जायज ही नहीं, सजदा तो अल्लाह ताला को होता है। गैब से आवाज आई, ये सजदा तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे दिल में जो खाना काबा बस गया है उसे सजदा कर रहे हैं। वो खाना काबा जिसकी बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी, और ये खाना काबा जो दिल में बस जाता है उसकी बुनियाद खुद अल्लाह ताला रखते हैं। इसीलिए इस खाना काबा को उस काबा से फजीलत है। बाज वली होते हैं, किसी के दिल में खाना काबा बस जाता है, किसी के दिल में इसमें जात और किसी के दिल में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम का रोजा मुबारक बस जाता है। बाज लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कुछ दिनों के बाद छोड़ देते हैं, कहते हैं हमें तो फैज ही नहीं होता। फैज तो तब होगा जब तुम्हारा दिल मुनव्वर होगा। बाज लोग इस्मे आजम का जिक्र करते हैं, थक जाते हैं तो कहते हैं पता नहीं इस्मे आजम किस में है, कुछ असर ही नहीं होता। लेकिन ये नहीं पता कि इस्मे आजम उस वक्त असर दिखाता है जब जिस्मे आजम हो जाए, जब तुम्हारे पूरे जिस्म की नस नस में अल्लाह बस जाए तो तब जिस्मे आजम हो जाएगा। फिर अल्लाह भी इस्मे आजम और या रहमान भी इस्मे आजम, हत्ता के कुरान मजीद की हर आयत में इस्मे आजम दिखाई देगा। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।